ଆପ୍ ବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦଳର କି ଆସ୍ପ୍ରଧା ଦେଖନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଓ ରାମଙ୍କ ସତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଅପାୟିତ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଶପଥ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने मु राम ओ कृष्ण आदि देवता को सत्ता को मानिबी नहीं, सेमन को ईश्वर बोली सम्मान करिबी नहीं, एमिति किछि कहि लोकन शपथ करा जाउछि। आउ एही सभारे उपस्थित अछन्ति दिल्ली सरकार मंत्री पद पाइथुआ राजेन्द्र पाल गौतम। बुधवार विजयादशमी तिथि रे करेलबाग स्थित राणी झांसी रोड आंबेडकर भवन रे धर्मचक्र परिवर्तन दिन कार्यक्रम आयोजित होइथिला। एथिरे लोकमानंकु केवल बौद्ध धर्मर दीक्षा नै नथिले, बरंग सेमाने शपथ पाठ मध्य करिथिले। राजेन्द्रक उपस्थित रे आयोजित बौद्ध धर्मर महासभा रे हिंदू देवादेवी मानंकु अपानित करा जायछि। हिंदू ओ बौद्ध मानंक भितर थिबा भाईचारा को नष्ट करबाकु प्रचेष्टा करा जायछि। मंत्री गौतम को उपस्थित हजार हजार लोक आगू को हाथ बढ़ाई शपथ ग्रहण करिछन्ति। गोटे स्वर से रामकृष्ण को भगवान मानिबू नहीं, किंबा केबे हेले सेमान को पूजा करिबू नहीं बोली कहिछन्ति। जहाँ प्रमाणित कहुछि जे आम आदमी पार्टी देशर हिंदू विदेशी मनोभाव को प्रोत्साहित करुछि, धार्मिक घृणा को बांटिबार लागिछि। एही भिडियो को आधार कर बीजेपी कहिछि जे एपरि करि आप मंत्री ओ सरकार बौद्ध एवं हिंदू धर्म को मानुथुवा लोकक मध्यरे विवाद सृष्टि करुछन्ति। मंत्री गौतम हिंदू धर्मावली मानू क्षमा मागंतु ओ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तांको मंत्रिमंडल बरखास्त करंतु बोली बीजेपी दाबी करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मनरे कोह ओ क्रोध, कहाकु पचारिबे प्रश्न, किए देबो उत्तर। आपणक प्रश्नर बेसालीस मंच, प्रश्नकाल सोमवार शुक्रवार राति 8:30।